कि जहां तक विकास की बात है, जहां तक विकास कार्यों को आगे ले जाने की बात है, हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने का प्रयास किया है। जहां जहां केंद्र सरकार का भी अगर कोई सहयोग प्रदेश में हमारी सरकार को मिला है, तो उसके लिए मैंने विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि ये सहयोग हमें चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मिला है। मगर आपदा के समय में जिस सहयोग जो हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए था, जो इन्हीं की रिपोर्ट जिसका मैं भी जिक्र कर रहा हूं, जो नेशनल डिजास्टर की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 6,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो हमारी प्रदेश सरकार ने, हमने जो कमेटी बनाई थी, जो हमारी रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। इसके लिए हमने एक सर्वदलीय बैठक कर विधानसभा में स्पेशल सेशन लाया। मुख्यमंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष से निवेदन किया, पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि हमें इस समय राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है। राजनीति तो चलती रहेगी, मगर हम सबको मिलकर, चाहे भाजपा के साथी है, चाहे कांग्रेस के हैं, हमें मिलकर विधानसभा से एक स्पेशल सेशन में एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, केंद्र सरकार को भेजना चाहिए कि हिमाचल को इस समय जो है वो डिजास्टर प्रोन प्रदेश घोषित किया जाए। और जो विशेष पैकेज हमने 12,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार से मांगा, वो हमको मिलना चाहिए। होना ये चाहिए था कि इसमें भाजपा के नेताओं को भी हमारा समर्थन करना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। कई बात हमें लंबी सोच रखते हुए कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए। सरकार उस ओर आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री जी उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में प्रदेश के हित में होते हैं, और इस पे हम कार्य करते रहेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा एक ही नारा है, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, और हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम सबको कार्य करने की आवश्यकता है, मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज की जो परिस्थिति है, आज की जो एक गंभीर परिस्थिति, वित्तीय परिस्थिति के काले बादल जो आज प्रदेश के ऊपर आज बने हुए हैं, ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हमको एक लंबी सोच रखते हुए, अपने खर्चों को कम करते हुए, सरकार के जो हमारा वित्तीय प्रबंधन है उसको बेहतरीन करते हुए, इन सब कार्यों के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में हिमाचल उन्हीं ऊंचाइयों पर वापस पहुंचे, चाहे प्राथमिक शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य के केंद्र है, चाहे रोजगार है, चाहे आपका टूरिज्म सेक्टर है, हर क्षेत्र में जो छोटा सा राज्य होने के बावजूद हिमाचल का एक अलग पहचान पूरे प्रदेश के अंदर बनी है, वापस हमें हिमाचल को उसी ऊंचाई पर ले जाने की आवश्यकता है।